जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि सुबह की पूजा का अपना एक अलग ही महत्व होता है। जो भक्त सुबह की पूजा करता है, साक्षात देवता उसके घर के अंदर रमन करते हैं। और दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह के बाद दोपहर के अंदर पूजा करते हैं, वह राक्षस पूजा मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की जो व्यक्ति पूजा कर लेता है, उसका आने वाला पूरा दिन, आने वाला पूरा साल और आने वाला पूरा महीना बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, सुबह की पूजा में दीपक जलाना और साक्षात देवताओं को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि रोज सुबह की पूजा में दीपक तो हर कोई व्यक्ति जलाता है, लेकिन इसे जलाते समय अगर आप यह नाम बोल देते हैं तो आपकी पूजा सफल मानी जाती है और साक्षात आपकी पूजा से देवता प्रसन्न होते हैं और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है देवताओं की कृपा से। तो आपको रोज सुबह की पूजा करने से अपने मन को प्रसन्न करना है और इन नामों को बोलना है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, कई लोग क्या करते हैं कि पूजा के अंदर जो दीपक जलाते हैं उस दीपक को साफ सफाई नहीं रखते हैं। दोस्तों, रखते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है, अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार हम झूठे बर्तन के अंदर भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो कैसे हम देवताओं को पुराने दीपक के अंदर आप दीपक उनको धोकर ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि पूजा के अंदर जो दीपक इस्तेमाल करते हैं वह खंडित दीपक इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, आपको भूल कर भी खंडित दीपक पूजा के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपका दीपक खंडित हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उस पूजा का आपको फल प्राप्त नहीं हो पाता। इस वजह से खंडित दीपक को भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अंदर एक विशेष मंत्र के बारे में बताया गया है। अगर आप रोजाना की पूजा करते हैं प्रभु के सामने बैठकर, तो आपको सुबह की पूजा के समय आपको इस एक मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, ताकि आपको उस पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। दोस्तों, यह मंत्र जाप करने से आपको क्या फायदा होता है? तो दोस्तों, जिन लोगों के विवाह में बाधा है, उनके परिवार के अंदर कोई दोष है, परिवार के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, किसी न किसी रूप से उनके घर के अंदर धन की कमी बनी रहती है या उनके घर के अंदर खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको इस मंत्र का जाप मात्र करना है या नाम मात्र बोलना है, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी और आपको आपके जीवन के अंदर ऐसा कार्य कभी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस मंत्र को बोलने वाला व्यक्ति यह जरूर ध्यान रखे कि बिना नहाए इस मंत्र का आपको जाप नहीं करना है, अन्यथा आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अंदर तो ऐसा बताया गया है कि मंत्रों के द्वारा हम अपनी शक्ति को, आसपास की सकारात्मक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह मंत्र इस प्रकार है। शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तु तते। इस मंत्र का आपको मात्र जाप करना है। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि जो भक्त इस मंत्र का रेगुलर प्रतिदिन जाप करता है, उसके जीवन के अंदर आरोग्य आ जाता है, धन संपदा आ जाती है, उसका शत्रु उसके दूर भाग जाता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, एकमात्र इतने छोटे से मंत्र के द्वारा आप दीपक जलाकर उसकी ज्योति को कई गुना तक महका सकते हैं, उसकी ज्योति का पावर कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो आपको यह नाम जरूर बोलना है और इसका प्रभाव अपने जीवन के अंदर देखना है कि इसका क्या प्रभाव आपके जीवन के अंदर पड़ता है, तो आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, एक विशेष उपाय है जो दीपक का उपाय आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर जो आपके ने कष्ट भोगे हैं वह चले जाए और आपके परिवार के अंदर खुशियां आए और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका कार्य हो। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय की आपको बिना किसी को चर्चा किए हुए इस उपाय को करना चाहिए, जो कि घर के दीपक के साथ होता है, और इस उपाय को करने मात्र से आपके परिवार के अंदर फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, एक शनिवार का विशेष दिन होता है और इस दिन भगवान शनिदेव, जो कि न्यायप्रिय देवता है, इनकी कृपा अगर कोई भक्त प्राप्त करना चाहता है तो समझ लीजिए कि आपके घर और परिवार के अंदर खुशियां अपार आने वाली है, धन संपदा आने वाली है और दीपक के माध्यम से आपके जीवन के अंदर चार चांद लगने वाले हैं इस उपाय से। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के अंदर एक सरसों का तेल लेकर आ जाना चाहिए, सरसों का तेल लाकर आ जाना चाहिए, और आपको प्रत्येक शनिवार के दिन शाम के समय आपको क्या करना है कि मिट्टी के दीपक के अंदर आपको तेल भरना है और लंबी बाती बनानी है, और शनिवार के दिन आपको आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर भगवान शनिदेव का वास माना गया है, और तो आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ के ऊपर आपको वह दीपक, आपको मतलब कि पीपल का जो स्थान है वहां पर जाकर
आपको उस दीपक को जलाना है और हनुमान जी से और भगवान संदेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन के अंदर जो भी कष्ट है वो हनुमान जी हर ले। ऐसा कहकर भगवान संदेव से भी प्रार्थना करनी है, हनुमान जी से भी प्रार्थना करके आपको वह दीपक जलाकर आपको एक मंत्र बोलना है। यह एक विशेष मंत्र है, दोस्तों, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हतु में पाप, दीप ज्योति नमस्तु तते। इस मंत्र का आपको जाप करना है और आपको वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वह दीपक जलाकर आपको अपने घर की तरफ आ जाना है और आपको इस मंत्र का इतना प्रभाव देखने को मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते हैं। आपके जीवन के अंदर साक्षात भगवान श्री शनिदेव की कृपा बनती है, हनुमान जी की कृपा बनती है, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा कार्य तो आपका आसानी से संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप महाकाल के भक्त हैं और आप चाहते हैं कि जिस प्रकार आप भोलेनाथ की भक्ति करते हैं और उनकी कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे, तो आपको इस सोमवार के दिन विशेष उपाय करना चाहिए जो कि दीपक के साथ किया जाता है। इस उपाय को करने वाले लोगों के अंदर धन की दोस्तों इतनी शक्ति देखने को मिली है और महाकाल की कृपा से उनको पास रोग नहीं फटकते हैं, उनके जीवन के अंदर एकाएक धनवृद्धि देखने को मिलती है, परिवार के अंदर एक अलग ही ओजस्व रहता है। तो इस उपाय को आपको सोमवार के दिन करना चाहिए जो कि दीपक और धूप के साथ आपको किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने आपको बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने घर के अंदर महाकाल की तस्वीर है, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर है, और अगर भोलेनाथ की तस्वीर भी नहीं है तो साक्षात श्री शिव हर जगह निवास करते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव का अपने मन के अंदर ही ध्यान करना है और आपको एक दीपक जलाना है। दोस्तों, इस दीपक को इस प्रकार जलाया जाता है कि इस दीपक के नीचे आपको एक बेल पत्र रखना होता है और आपको वह बेल पत्र रखना है और उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको बेल पत्र जलाना है। और दोस्तों, दूसरा बेलपत्र आपको क्या करना है, इस दीपक की जब लो ऊंची पड़ती है तब आपको मालूम होना चाहिए कि काला काला एक पदार्थ निकलता है, आपको क्या करना है कि उस धुएं को आपको उसके ऊपर आपको एक बेलपत्र रखते हुए उस धुएं को उसका जो कालापन होता है वह आपको उस बेलपत्र पर ले लेना है, जिसे दोस्तों काजल कहा जाता है। वह बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य होता है और दोस्तों जब तक वह काजल दीपक जलता रहे और वह काजल इकट्ठा होता रहे तब तक आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करते हुए आपको वह पूरा का पूरा धुएं का जो काजल होता है उस बेल पत्र के ऊपर आपको ले लेना है और आपको क्या करना है कि उस काजल को आपको संभाल कर रखना है और जब भी आप अपने विशेष कार्य हेतु जाए, विशेष पारियोजन हेतु जाए, तब आपको क्या करना है कि उस काजल का तिलक लगाकर या आपको क्या करना है कि उस काजल का तिलक लगाकर अपने कार्य हेतु जाना है तो आपका वह कार्य विशेष बन जाता है, आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कार्य होता है और एक शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाता है, आपके घर के आसपास बुरे दोष होते हैं वह नहीं फटकते हैं बस मात्र इस उपाय को करने से। दोस्तों, दूसरा एक यह है कि अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं और अगर उनको नजर दोष की शिकायत रहती है, आपके परिवार के अंदर किसी को भी नजर दोष की शिकायत रहती है जिसकी वजह से परिवार के अंदर अक्सर कोई व्यक्ति बीमार रहता है या उसे हानि होती है या उसे दुर्घटना का भय होता है, आप उस व्यक्ति को भी यह काजल लगाना चाहिए ताकि उससे बुरे स्वप्न नहीं आते, नजर दोष चल जाता है, छोटे बच्चों को सुखद निंद्रा प्राप्त होती है और आप जैसा कार्य चाहते हैं वैसा आपके जीवन के अंदर कार्य बनता है। इतना प्रभावशाली महादेव के दीपक का यह उपाय माना गया, बहुत ही कम लोगों को पता है और जिनको पता है उन्होंने इसका फायदा जरूर देखा है। तो दोस्तों, अगर आप भी यह उपाय करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि भोलेनाथ की कृपा आपको मिलती रहे और यह उपाय आपके लिए सफल हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि आप अगर अपने घर के अंदर तेल का दीपक जलाते हैं तो भगवान के बाईं तरफ रखना चाहिए और घी का दीपक जलाते हैं तो बिल्कुल सम्मुख रखना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, भगवान शनिदेव के काल भैरव के मंदिर नहीं जा पाते हैं और वह चाहते हैं कि वह उनकी भी पूजा करें, तो आपको क्या करना है कि अगर आप उनके निमित दीपक जलाना चाहते हैं तो आपको अपने घर का जो जल रखने का स्थान होता है, पानी जहां पर आप अपने घर के पीने का रखते हैं, उसको साफ सुथरा करने के बाद आपको अलग ही वहां पर उनके निमित दीपक जलाना चाहिए, अपने घर के पूजा घर के अंदर उनका दीपक नहीं जलाया जाता है क्योंकि दोस्तों इनकी पूजा बहुत ही भारी होती है और जिनका पालन साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इसका विशेष फायदा प्राप्त हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ से जुड़ी दीपक की यह जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ या जय बजरंग बली जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारियां आप
आपको तुरंत प्रभाव से मिलती रहे और भगवान भोलेनाथ का सदैव आपके जीवन के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जय भोलेनाथ मित्रों, धन्यवाद मित्रों।